तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्राग प्रशिक्षण केंद्र में बिहार सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग का आयोजन किया गया। इसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग प्राग प्रशिक्षण केंद्र के तहत बीपीएससी और एसएससी की तैयारी के लिए प्रेरणा एवं मार्गदर्शन देते हुए छात्रों के सत्र की पढ़ाई के साथ साथ उन्मुखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में निःशुल्क कोचिंग का उद्घाटन एवं वर्ग का शुभारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक प्राग प्रशिक्षण केंद्र तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तहत हुआ। एसडीओ धनंजय कुमार ने अपने संबोधन में अपना अनुभव साझा किया। जो भी आप करते रहिए, एग्जाम में बहुत जरूरी है कि आप अपने सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ध्यान दें। साथ ही साथ जो एक हम लोग दैनिक दिनचर्या अपनाते हैं पढ़ाई के लिए, उसमें हम लोग नई चीजें पढ़ते हैं। अमूमन से ओबीसी एससी एससी के छात्र एसटी के छात्र जो मुख्य धारा से वंचित रहे, चाहे जो भी कारण रहा हो, उन छात्र छात्राओं को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार सतत प्रयत्न कर रही है। और उसी प्रयत्नशीलता में यह कार्यक्रम है कि ऐसे वर्गों के छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हों। इसको सदर महिला थाना में कांड दर्ज हुआ था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी, जो महिला थाना में दर्ज हुआ। उस दर्ज के आधार पर इसमें चार आरोपित को भेजा गया था, जिसमें दो तो किशोर न्याय बोर्ड चले गए, दो का पॉक्सो 6 कोर्ट में विशेष न्यायाधीश श्री आनंद कुमार सिंह के यहाँ ट्रायल चल रहा था, जिसमें जो है चार गवाहों का गवाह हमने करवाया और दो अभियुक्त को इसमें दोषी पाया गया। 27/4 को दोषी पाया गया और आज 28/4/22 को उसे सजा दी गई, जिसमें दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी गई, जो ताउम्र की सजा है। और इसमें जो है आर्थिक दंड जो भी होगा वो विक्टिम को पे होगा। इसके अलावा बच्ची को सरकार की ओर से 4,00,000 रुपया देने का आदेश दिया गया है। अपना परिचय, शंकर जय किशन मंडल, विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो अधिनियम, भागलपुर।